मोदी वजह से बड़ा लेट हो रहे हैं जनाब, अभी तक जाम सा गरीब बंदे नहीं, रोजी ना मसला होना है, घंटा सवा घंटा हो गया तो खड़े हैं, कोई गड्डी नहीं मिल रही जनाब, है हूँ गड्डी आई है, पता नहीं साढ़े गरीबा नहीं रोजी ना कोई मसला बनना है नहीं बनना, पर तुम गरीब लोगों से दुआ करो इंशाल्लाह अभी खैर गरीब तक पहुँच जाइए सर, हाँ तो कोई साड़ी रोजी रिजक में इजाफा हो जाए जी, शुक्रिया सर। बैंड कौन सा आपका? न्यू फाइव स्टार सर। अच्छा तो शादी पे किस जगह जाना सर? ये जाना है हमने सिक्स रोड पे जाना है सर। जी जी सर, बहुत देर से खड़े हैं सर, ये नहीं पता, यही पता है कुछ धरना वगैरह दे रहे हैं, इसके अलावा तो कोई पता नहीं। अच्छा। जी सर, ओके सर। नाज़रीन आपने देखा कि अभी इधर एक बैंड ग्रुप जो है वो खड़ा था, उस बैंड ग्रुप का जो इंचार्ज था उससे हमने आपकी बात भी करवाई, वो एक शादी में बैंड बजाने के लिए जा रहे थे लेकिन उनकी अपनी बैंड बज गई, इस वजह से कि वो इधर खड़े रह गए, और कंटेनर्स की वजह से चूँकि गाड़ियाँ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है, इंतहाई इक्का दुक्का बहुत देर बाद को नज़र आ जाए, तो वो बेचारे अपने उधर जा रहे थे बैंड बजाने के लिए शादी में, लेकिन वो यहाँ उन्होंने बताया कि वो खासी देर उनको लग गई इधर खड़े खड़े, फिर आपने देखा कि बिल आकर उनको एक चिंग ची जो है वो मिल गई और वो यहाँ से रवाना हो गए हैं। अब ये नहीं पता कि कैसे पहुँचेंगे और किन रास्तों से जाते हुए पहुँचेंगे और कितनी देर में पहुँचेंगे, और ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि जब वो अपने मैरिज हॉल में पहुँचे तो वहाँ जो है वो फंक्शन जो है वो ख़त्म हो चुका हो और इनका मज़ीद बैंड बज जाए। जाने जाने जाने।